नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो वो दो ही देश हैं, भारत और नेपाल, क्योंकि ये दोनों ही हिंदू बहुल देश हैं। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे मुस्लिम देशों के बारे में बताएंगे जहां मौजूद हिंदू मंदिर काफी मशहूर है। एक हिंदू मंदिर तो ऐसा भी है जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जा चुके हैं। मलेशिया में हिंदू तमिल समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं और इसीलिए यहां बहुत सारे मंदिर हैं। गोमबाक में बातु गुफाओं में कई मंदिर हैं। गुफा के प्रवेश स्थल पर हिंदू देवता मुरुगन की विशाल प्रतिमा है। मुरुगन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को कहा जाता है। बाटू केव स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर में तमिल महीने थाई की पूर्णमासी को थाई पुसम नाम का त्योहार मनाया जाता है। इसे भगवान मुरुगन के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के लिए मलेशिया में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं। इंडोनेशिया भले दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर हिंदुओं के तौर तरीके की छाप साफ देखने को मिलती है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर हैं। 9वीं सदी में बना प्रम्बानन मंदिर तो पूरे विश्व में मशहूर है। इसी साल नवंबर में करीब 1163 साल बाद भगवान शिव के इस मंदिर में जलाभिषेक किया गया था। इस मंदिर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जा चुके हैं। बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। करीब 16 करोड़ की आबादी वाले इस मुस्लिम देश में करीब 10% हिंदू रहते हैं। यहाँ की राजधानी ढाका में स्थित ढाकेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस्लामिक चरमपंथियों के हमले के डर से हिंदू शक्तिपीठों में से एक ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ अक्सर प्रभावित होती रहती है। एक बार तो करीब 2 महीने तक के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था। पीएम मोदी भी इस मंदिर में पूजा पाठ कर चुके हैं। ओमान। अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित मुस्लिम देश ओमान को सल्तनत ओमान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की राजधानी मस्कट में भगवान शिव का मंदिर है, जो ओमान का सबसे पुराना मंदिर है। साल 2018 में ओमान दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। 109 साल पुराने इस शिव मंदिर को मोतीश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान इस मंदिर में करीब 20,000 से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, इसीलिए हिंदू संस्कृति और सभ्यता का असर पाकिस्तान पर भी रहा। लेकिन भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान की पहचान इस्लामिक देश के रूप में उभरी, जिसका परिणाम ये रहा कि ज्यादातर हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान के इस्लामिक चरमपंथियों ने तोड़ दिया था। लेकिन कटासराज मंदिर की पहचान आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। ये प्राचीन शिव मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है और कटास राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। कटास राज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल गांव में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटास में एक पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल यानी कि त्रेता युग में भी था। इस मंदिर से जुड़ी पांडवों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। आदिमतीश्वर। वाह।
नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः मणिवालस्तनाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो गुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः काराय नमः बलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय महाबलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतशमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः आराद्रिपार्दिवघुम्रजः पितुर्पायधामपि दिवः सदाघोषि बृहदिवि तिष्ठस आद्विखं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् शंभुर् मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथः मंगलायतनौ शिवः आरार्तिकं च समर्पयितः हस्ते पुष्पाण्यादाय यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शरणं तरुणेन्दुशेखर शरणं मे गिरिराजकन्यका शरणं पुनरेवताउभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् श्री शांब सदाशिव देवेभ्यो नमो नमः चरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयितः प्रार्थयितः आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु भूवाजिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। नमस्तेऽस्तु भगवन्निश्वरेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय वीराग्निकालाय कालार्थिरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। त्र्यम्बकं मजाभे सुखं दिम्बुष्टिभद्रं मधुपार्गमिव बन्धनान् मुक्त्योर्मुक्षीयमां ददात् सत्योजातं प्रबध्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाधिपवे भवस्वमहं भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः फलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो भलाय नमो बलप्रमदाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्योतघोरेभ्यो घोरघोरहरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानस्सर्वविद्यानां ईश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवं शिवं शंकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं मल्लिकादिशकं धीमि मल्लत्यादीनि वै प्रभोः मया हृतानि पुष्पाणि पूजात्तं प्रतिगृह्यताम्। ॐ या प्रणीर्या अपलापुष्पायाश्चापुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूता स्थानम्
अभी नौ मंदिर